आज का पहला शब्द है आंगन। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ट यार्ड। आंगन जो घर जिसके किनारे किनारे पूरा घर होता है, ये बीच में खुला स्पेस होता है, इसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं होता, इसे कहते हैं आंगन, कॉर्ट यार्ड। नेक्स्ट है पिछवाड़ा, जो घर के पीछे का एरिया होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में बैक यार्ड, बैक यार्ड। नेक्स्ट है आगे का हिस्सा, घर के आगे का हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं फ्रंट यार्ड, फ्रंट यार्ड। नेक्स्ट है बगीचा, बगीचा को कहते हैं गार्डन, गार्डन। नेक्स्ट है कमरा, ये तो आप सभी जानते हैं, कमरा को इंग्लिश में कहते हैं रूम, रूम। नेक्स्ट है बड़ा कमरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉल, हॉल। नेक्स्ट है बैठक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिविंग रूम और सीटिंग रूम। यूएस में इसे लिविंग रूम बोला जाता है और यूके में सीटिंग रूम। नेक्स्ट है तहखाना, ये घर का निचली हिस्सा में होता है, अंडरग्राउंड एरिया में, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेलर, ट्रेलर। नेक्स्ट है रसोई, इसे कहते हैं इंग्लिश में किचन, किचन। नेक्स्ट है भोजन कक्ष, जहाँ हम लोग सब बैठ के खाना खाते हैं, इसे कहते हैं डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट है शयन कक्ष, जहाँ सोते हैं, इसे कहते हैं बेडरूम, बेडरूम। नेक्स्ट है भंडार कक्ष, इसे कहते हैं स्टोर रूम, स्टोर रूम, जहाँ सारे सामान को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन कक्ष, जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसे कहते हैं स्टडी, या आप इसे स्टडी रूम भी कह सकते हैं, स्टडी। नेक्स्ट है अटारी, इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिक, आर्टिक। नेक्स्ट है बाहरी छत, इसे कहते हैं रूफ, इसके ऊपर कोई और रूम वगैरह कुछ भी नहीं होता, इसे कहते हैं रूफ। नेक्स्ट है भीतरी छत, इसे कहते हैं शीलिंग, यहाँ पे फैन लगा होता है, कहते हैं शीलिंग। नेक्स्ट है छत, छत वो छत जिसके किनारे किनारे बाउंड्री किया रहता है, उसे कहते हैं टेरेंस, टेरेंस। नेक्स्ट है गैराज, जहाँ पे गाड़ियाँ रखी जाती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं गैरेज, गैरेज। नेक्स्ट है स्नान गृह, उसे कहते हैं बाथरूम, बाथरूम। नेक्स्ट है शौचालय, इसे कहते हैं टॉयलेट, टॉयलेट। नेक्स्ट है बरामदा, इसे कहते हैं पोर्च, पोर्च। नेक्स्ट है गलियारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉरिडोर, कॉरिडोर। नेक्स्ट है छज्जा, छज्जा जो रूम के बाहर के हिस्से में निकला रहता है थोड़ा बाहर, इसे कहते हैं बालकनी, बालकनी। नेक्स्ट है रोशनदार, इसे कहते हैं स्काईलाइट, जहाँ से कमरे में लाइट आती है, स्काईलाइट। नेक्स्ट है पत्र पेटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स। नेक्स्ट है दरवाजे की चौखट, इसे कहते हैं डोर फ्रेम, डोर फ्रेम, जो दरवाजे के किनारे किनारे लगा रहता है। नेक्स्ट है छरोखा, इसे इंग्लिश में कहते हैं पिप होल, पिप होल, जो दरवाजे में लगा रहता है ताकि ये देख सके कि बाहर कौन खड़ा है। नेक्स्ट है धुआं कच्छ, यहाँ से धुएं निकलते, इसे कहते हैं चिमनी, चिमनी। नेक्स्ट है अंगीठी, इसे इंग्लिश में कहते हैं फायर प्लेस, फायर प्लेस, इसी के माध्यम से चिमनी से बाहर धुआं निकलता है। नेक्स्ट है नाली,
नाली को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइन, ड्राइन। नेक्स्ट है पर नाला, इसे कहते हैं ड्राइन पाइप। ये जो छत का पानी जो नीचे नाले में उकर निकलता है, इस पाइप को कहते हैं ड्राइन पाइप। नेक्स्ट है छप्पर, छप्पर को इंग्लिश में कहते हैं शेड, शेड। नेक्स्ट है जीना, इसे सीढ़ी भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर, स्टेयर। नेक्स्ट है रेलिंग वाला जीना, यानी रेलिंग वाला सीढ़ी, इसे कहते हैं स्टेयर केश, स्टेयर केश।